रहे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया कि आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ना, मैं आपकी बातों को बीच में ही काट रहा हूँ। चुनाव लड़ना या ना लड़ना, ये कोई चुनाव लड़ने से किसी की योग्यता की पहचान नहीं होती। अगर नगरवासियों को लगता है कि मैं उनके योग्य हूँ, तो उनके द्वारा जो आह्वान होगा मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। और अगर उनको लगता है कि नहीं, राजेश हमारे योग्य नहीं है, तो राजेश उनकी सेवा करता रहेगा बिना चुनाव के भी। आप किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में आएंगे? मेरा प्रमुख मुद्दा जो है, मेरे चुनाव का प्रमुख मुद्दा आजकल नगर में सबसे ज़्यादा अतिक्रमण का मुद्दा है, जो कि देख रहे हैं आप, कुछ तथाकथित लोग नदी नालों तालाबों को और अपने कस्बे के विभिन्न स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों को जो अतिक्रमण कर रहे हैं, इनको लेके मेरा चुनाव का प्रमुख मुद्दा होगा। साथ ही साथ अपने नगर में युवाओं की एक बड़ी फौज है, मैं उन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी इस मुद्दे को लेके चुनाव लड़ना चाहूँगा। मैं उनके लिए यथासंभव नगर में उद्योग का, या फिर जो भी हमारी सरकार या तत्कालीन जो भी सरकार होगी, उस सहयोग, उस सरकार से लड़ के, झगड़ के, चाहे प्यार से, स्नेह से, मैं किसी भी तरीके से अपने नगरवासियों के, युवाओं के लिए एक अच्छी व्यवस्था लाने की कोशिश करूँगा। सर, जैसा कि मछली शहर नगर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पार्क नहीं है, कोई ओपन जिम नहीं है, घूमने की जगह नहीं है, इन सब चीज़ों पर क्या आपने विचार किया? मैं देखिए, एक अपने प्रधानमंत्री की एक कोटेशन है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। भारत तो स्वच्छ हम आप कर रहे हैं, लेकिन स्वस्थ करने के लिए केवल हमें आपको नींद में सोने की ज़रूरत नहीं है, हम आप व्यायाम करेंगे, हम आप योग करेंगे, हम आप मॉर्निंग वॉक करेंगे। हर जगह तो नहीं है ना? इसके लिए जगह, देखिए जगह होता नहीं, जगह बनाई जाती है। जब मैंने क्या कहा कि सार्वजनिक तालाबों, सार्वजनिक कुओं को, सार्वजनिक जगहों को जो पाटा जा रहा है, इनका उपयोग अगर मॉर्निंग वॉक या एक पार्क के रूप में या फिर एक व्यायामशाला के रूप में किया जाए, तो ये अपने युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा अपना विचार है और मैं प्रयास करूँगा कि मैं व्यायामशाला और पार्क के लिए जो भी यथासंभव कर सकूँ। एक लास्ट सवाल सर, आज़ाद लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे? देखिए, नहीं, मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता रहा हूँ और मैं स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा तो अपनी पार्टी का एक निर्देश पे लड़ूंगा। अगर पार्टी को नहीं लगता तो मैं पार्टी की सेवा करते हुए नगर के स्वयं कार्यकर्ताओं की, नगर के लोगों की तब भी सेवा करूंगा। मैंने आपको पहले बताया कि चुनाव ही सेवा करने का एकमात्र रास्ता नहीं होता। धन्यवाद।